अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था, तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। पायलट साहब भी आए, हनुमान बेनीवाल भी आए, तब आगे देखेंगे, लेकिन पहले आए तो सही, सड़क पे तो उतरे, ठंडी जो शीत लहर चल रही है उसमें धरना दें, प्रदर्शन करें, केवल भाषण मजा नहीं आ रहा है देने से काम नहीं चलने वाला। सड़क पर उतरें और सरकार को मजबूर करें ताकि सीबीआई की जांच हो, भ्रष्टाचारी जेल के पीछे जाएं, नकल माफियाओं की कमर टूटे, उनको गिरफ्तार करे सरकार, और जो कानून लुंज पुंजे उसको और कड़ा किया जाए, सीबीआई की जांच हो, हमारे राजस्थान के बच्चों को 75% आरक्षण का प्रावधान बिल लाकर विधानसभा में करें। इसके लिए पायलट साहब भी जोर लगाएं, हनुमान जी भी जोर लगाएं, बाकी के लोग भी जोर लगाएं, सभी अगर एक होकर इस पे जोर लगाएंगे, बस हवा निकल गई, तो हमारे बच्चों का भविष्य संवर सकेगा, सुधर सकेगा, अंधकार से उनको बचाया जा सकेगा, वरना ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। वो अंधेरी, अनंत अंधेरी गुफा में हमारे बच्चे जाने के लिए मजबूर होंगे।